नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो है तुलसी तुलसी के जो चमत्कारी घरेलू औषधि उपाय है उनके बारे में बताने वाली हूँ। तुलसी जो है हमारे देश में जो है हर घर के बाहर होती ही है, क्योंकि उसका धार्मिक महत्व भी है। प्रकृति का सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व तुलसी का बताया गया है। तुलसी के अलावा जो है हमारे घर के आसपास पीपल, नीम, इमली, कैथ, बेल, आंवला और आम ऐसे वृक्ष होते ही है, और जो लोग ये वृक्ष लगाते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें कभी नरक का दर्शन नहीं होता, ऐसे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। पृथ्वी के पत्तों की पूजा जो है इनका धर्म शास्त्रों में उल्लेख नहीं आता कि इनकी पत्तों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस पौधे की या वृक्ष की पूजा करने का विधान धर्म शास्त्रों में दिया गया है। तुलसी जो है नियमित सेवन करने से जो है व्यक्ति का वजन घटता है, पतले व्यक्ति का वजन इससे घटता है और पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है। मतलब जिनका वजन ज्यादा है वो नियमित तुलसी का सेवन करे तो उनका वजन जो है वो घट जाता है, और पतले व्यक्ति अगर इसे रोज खाए तो उनका वजन बढ़ जाता है ना, ये मैजिकल बात। तो ये था आज का टिप्स मेरे वीडियो में। चलिए और बाकी के औषधि उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लीवर मतलब कि यकृत, यकृत के लिए हमारे तुलसी कैसे कारगर है। तुलसी की 10-12 पत्तियाँ लीजिए, गर्म पानी से धोकर रोज सुबह खाइए। लीवर की हर तरह की समस्या में ये बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे औषधीय गुण भी है तुलसी में, इसलिए आपके लीवर के लिए, आपके यकृत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आप जो है खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएंगे तो आपका इससे वज़न भी कम होगा, अगर वज़न ज़्यादा है तो। चलिए अगली टिप मैं आपको बताती हूँ। अगला औषधीय गुण पेट दर्द। 1 चम्मच तुलसी की पीसी हुई पत्तियों को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। पेट दर्द होने कर इस पेट को आपकी नाभि पर और पेट के आसपास लगाने से आराम मिलता है। ऐसा जो है आप हींग के पानी के साथ भी करते हैं। हींग की का जो है गाढ़ा, हींग और नमक का गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसे भी इसी तरह से आप लगा सकते हो, अगर तुलसी की पत्तियां ना मिले तो। लेकिन तुलसी की पत्तियां तो मिल ही जाती है क्योंकि हम सब लोगों के आसपास तुलसी का पौधा कहीं ना कहीं होता ही है। चलिए अब अगली जो है बचा देती हूँ, पाचन संबंधी। पाचन संबंधी आपको समस्या है, दस्त लगना, पेट में गैस बनना, ऐसा होने पर 1 गिलास पानी में 10 से 15 तुलसी की पत्तियाँ डालकर उबाल ले और काढ़ा बना ले इसका, और चुटकी भर सेंधा नमक डालकर पी लीजिएगा तो आपको पाचन संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपको पता है दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बाकी के पौधे जो है वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। मतलब हमारे लिए तुलसी एक वरदान की तरह है। तुलसी जो है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है हवा में, और ओजोन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में तुलसी में पाया जाता है। बुखार आने पर 2 कप पानी में 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर डाले, 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालकर उबाल ले और काढ़ा बना ले। दिन में 2-3 बार यह काढ़ा पीजिए। स्वाद के लिए चाहे तो इसमें थोड़ा दूध और चीनी भी मिला सकते हैं। मतलब एक तरह से ये तुलसी की चाय बन जाएगी, लेकिन बिना दूध और चीनी के पियेंगे तो ज़्यादा जल्दी फायदा आएगा। तुलसी के पाउडर जो है पत्तियों की मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट तुलसी की पत्तियाँ हरी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तुलसी की पत्तियाँ सुखाकर आप इनका पाउडर बनाकर स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत फायदेमंद है। इलायची तो हम सबके घर में होती ही है, तो इलायची का कूटकर पाउडर बनाकर आप काढ़ा बनाकर पी सकते हो दिन में 2 से 3 बार। चलिए अगली टिप मैं आपको बता देती हूँ। अगली टिप है खांसी जुकाम के लिए। करीब करीब जो है सभी कफ सिरप बनाने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। कफ साफ करने के लिए तुलसी का बहुत अच्छा कारीगर माना गया है। कोमल पत्तियों को तोड़कर अदरक के साथ चबाने से खांसी जुकाम में राहत मिलती है। चाय में भी तुलसी के पत्तियां डालकर आप चाय बना सकते हैं, इससे गले की खराश दूर होती है। गरारा करने के लिए भी गर्म पानी में आप तुलसी की पत्तियां डालकर उबाल लीजिए और उन पानी से जो है आप गरारा कीजिए। आपके गले में जो है इसको आराम मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपका गला ठीक होने में मदद मिलेगी। बहुत सारे कफ सिरप है उसमें तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आप देखिए कफ सिरप, बहुत सारे आयुर्वेदिक कफ सिरप है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसमें तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। और तुलसी को आप सूंघ भी ले, तुलसी के पत्ते को, तो वो भी आपकी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और फिर उनको हल्के से हाथों पर मसल लीजिए और फिर इनको सूंघ लीजिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा आपके जुकाम के लिए कारीगर है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, तुलसी कभी भी अपने नाखूनों से मत तोड़िएगा, अपनी उंगलियों से तुलसी को, पत्ते को आपको तोड़ना है, याद रखिएगा बात। श्वास संबंधी आपको समस्या हो तो उपचार करने के लिए तुलसी उपयोग लाई जा सकती है। शहद, अदरक, तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर आप पी लीजिए, वो ब्रोंकाइटिस, दमा, कफ, सर्दी में राहत मिलती है। नमक, लौंग, तुलसी के पत्तों से बनाया गया काढ़ा भी इन्फ्लुएंजा की तरह, मतलब बुखार में ये काम आता है। अगर आपको बुखार है और आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपको थोड़ा सा बहुत आराम चाहिए, ये डॉक्टर के पास जाने के लिए भी आपके अंदर ताकत नहीं है, तो आप इस तरह से काढ़ा बना लीजिए, नमक, लौंग और तुलसी के पत्तों का, और वो पीजिए। आधे एक घंटे में आपको थोड़ा आराम मिलेगा और फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। ये जो है एक तरह से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है तुलसी। और जैसे कि मैंने बताया, तुलसी के पत्तों को कभी नाखूनों से मत तोड़िएगा, आप जो है उन्हें अपनी उंगलियों से तुलसी के पत्तों को तोड़िएगा। तुलसी का पौधा कहीं पर भी उग जाता है, वो आप ज़मीन में भी लगा सकते हो। और इस पौधे को जो है आप एक तरह से प्लांट में भी लगा सकते हो, प्लांट के रूप में। सर्दी से बचाव करने के लिए, ठंड का मौसम होता है तो तुलसी की 10-12 पत्तियाँ लीजिए, 1 कप पानी के साथ या दूध के साथ आप इसे उबाल लीजिए और दवा के रूप में आप ये काम करेगा सर्दी जुकाम के लिए। आप तुलसी के पत्तों की चाय भी उबालकर पी सकते हैं। तुलसी का अर्क मिलता है, वो भी बुखार को कम करने में कारीगर होता है। तुलसी का अर्क या तुलसी की जो भी दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, तुलसी का काढ़ा भी मिलता है कुछ कंपनियों का, तो वो भी खरीद कर आप पी सकते हो। तुलसी का पौधा जो है, मैंने कहा, वो जो है गमले में भी लग जाता है। अगर आप फ्लैट में भी रहते हो तो आप अपने बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हो। तुलसी का पौधा पूरी तरीके से हमारे लिए काम में आता है। तुलसी के बीज भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तुलसी के बीज, उन्हें मंजीरी कहा जाता है, और वो भी बहुत सारी औषधीय गुण वाली होती है, जिसे तुलसी के बीज भी कहते हैं। अगर आप तुलसी का पौधा लगाना चाहते हो तो तुलसी के ऊपर जो फूल आते हैं, जिसे मंजीरी कहा जाता है, वो तोड़कर आप उन्हें हाथों से मसल लीजिएगा और फिर मिट्टी में डालकर उसे पानी डालेगा तो तुलसी का पौधा आ जाएगा। गुर्दे की पथरी, तुलसी गुर्दे को मजबूत बनाती है। यदि किसी को गुर्दे में पथरी हो गई हो तो उसे शहद मिलाकर तुलसी का अर्क नियमित रूप से देना चाहिए। 6 महीने तक आपको फर्क नजर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, जैसे कि बहुत ही कारीगर है तुलसी, हमारे हर रोग के लिए ये हमें फायदा देती है। हृदय रोग, तुलसी खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाती है, ऐसे में हृदय रोग के रोगियों को ये बहुत ही कारीगर साबित होती है। तो तुलसी का सेवन आप रोज कीजिए और हृदय रोग को, मतलब हार्ट अटैक को दूर रखिए। हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आप दूर रख सकते हो। चलिए अगला जो औषधि उपाय है वो क्या है वो जानते हैं। तनाव, तुलसी के पत्तियों को तनाव रोधी गुण पाए जाते हैं। तनाव को खुद से दूर रखने के लिए कोई भी व्यक्ति तुलसी के 12 पत्ते रोज 2 बार सेवन कर सकता है। इससे आप तनाव से, स्ट्रेस से दूर रह सकते हो। मुंह का संक्रमण, अल्सर और मुंह के अन्य संक्रमण में तुलसी की पत्तियां बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। रोजाना तुलसी की कुछ पत्तियां को जो खाने से मुंह का संक्रमण दूर हो जाता है। ये था बहुत ही कारीगर उपाय। त्वचा रोग, दांत, खाज, खुजली, त्वचा रोग, अन्य समस्या में तुलसी के अर्क को प्रभावित जगह लगाने से कुछ ही दिनों में रोग दूर हो जाता है। नेचुरोपैथी में इसका इलाज करने से तुलसी को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। तुलसी की ताज़ा पत्तियां संक्रमित त्वचा पर रगड़ने से इन्फेक्शन भी दूर होता है। मतलब आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो, वहाँ पर आप तुलसी की ताज़ा पत्तियों को रगड़े और अपने कुछ ही दिनों में जो है जो भी स्किन इन्फेक्शन आपको हुआ है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं बहुत सारे जो आपके लिए फायदेमंद हो। सांसों की दुर्गंध, तुलसी सूखी पत्तियों को सरसों के तेल में मिलाकर दांत साफ करने से सांसों की दुर्गंध जो होती है वो चली जाती है। पारिया जैसी समस्या होती है वो भी उसमें तुलसी कारगर होती है, लेकिन सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करना है, गीली पत्तियों का नहीं।
आंखों की समस्या, आंखों में जलन हो तो तुलसी का अर्क बहुत कारगर साबित होता है। रोजाना श्यामा तुलसी के अर्क को 2 बूंद आंखों में डालना चाहिए। ये जो है आप जो मार्केट में अवेलेबल है उसे इस्तेमाल कीजिएगा, खुद मत तैयार कीजिएगा। तुलसी के पत्तों को सरसों में तेलकर भून ले और लहसुन के रस के साथ मिलाकर काल में डालने से कान का दर्द भी दूर हो जाता है। आपको तुलसी का अर्क जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तुलसी के 5 पत्ते और 2 काली मिर्च मिलाकर खाने से वात रोग दूर हो जाता है। कैंसर के रोग में तुलसी के पत्तों को चबाकर खाने से ऊपर से पानी पीने से बहुत लाभ मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिलाकर, तुलसी के पत्ते और पान के पत्तों का रस बराबर मात्रा में मिलाकर बच्चों के पेट फूलने के जो रोग होता है वो समाप्त हो जाता है। तुलसी का पत्ता और पान का पत्ता, हम जो पान खाते हैं, पान टपरी जो होती है पान, वो वाला पान, तुलसी के पत्ते और पान के पत्ते दोनों को रस बराबर मात्रा में मिला लेना है। रोज़ सुबह तुलसी की पत्तियां खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तुलसी की पत्तियों के रस के साथ 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से जो है आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। केवल पत्तियां ही लाभकारी नहीं है, पौधे वाले जो फल लगते हैं आमतौर पर उसे मंजरी कहा जाता है और वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। विभिन्न रोगों में दवा और काढ़े के रूप में तुलसी की पत्तियों की जगह मंजरी का उपयोग किया जाता है। इससे कफ जो पैदा होता है वो दूर होता है। शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है हमारी, उसे बढ़ने में मदद मिलती है। मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो इससे बढ़ती है, जो तुलसी के बीज होते हैं जिसे मंजरी कहा जाता है उससे। ये भी बहुत ही फायदेमंद है और अलग अलग दवाइयों में मंजरी का उपयोग किया जाता है। जब भी आपको तुलसी के पत्ते खाने हो तो उन्हें दांतों से नहीं चबाना चाहिए, सीधे निगल लेना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक वजह है कि तुलसी के पत्तों में पारा नाम का धातु के अंश होते हैं जो चबाकर जो है आपके दांतों की जो सुरक्षा परत है उसे निकाल देते हैं और इससे दांत और मुंह के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कहा जाए कि तुलसी के पत्तों को खाना चाहिए या चबाकर खाना चाहिए तो लिटरली आप दांतों से मत चबाइएगा, हाथों से उन्हें मसल कर निगल लीजिएगा, वरना आपको दांतों के रोग या मुंह के रोग हो सकते हैं। अगली टिप, अगला उपयोग मैं आपको बताती हूँ। तुलसी का पौधा मलेरिया के कीटाणु को नष्ट करता है, ऐसा नया खोज में पता चला है। तुलसी का पत्ता मिलाकर पानी पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए उसे चरणामृत में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के स्पर्श से भी बहुत सारे रोग दूर हो जाए, ऐसा कई प्रयोगों में सिद्ध हुआ है। रक्तचाप, पाचन तंत्र, नियमित रूप से मानसिक रोगों में यह बहुत लाभकारी है और रक्त कणों में भी वृद्धि होती है। रक्त कण मतलब हमारे शरीर में जो रक्त होता है लाल रंग का, उसके कणों में भी वृद्धि होती है ऐसा माना गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है आपको वो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।